इंडिया में सभी भारतीयों के लिए वोटर आईडी कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी कार्ड बनने के बाद आप वोट डालने के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं, इसके अलावा आप वोटर आईडी कार्ड को और भी काफ़ी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी नया प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसमें चाहे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इस तरह के जितने भी दस्तावेज है, सभी जगहों पर जो है आप वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका वोटर आईडी कार्ड हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि आपके नेम में कोई मिस्टेक हो, आपके फादर नेम में कोई मिस्टेक है, आपकी DOB गलत है, या आपका फ़ोटो पुराना है, आप फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, या एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये सभी करेक्शंस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस नए वोटर पोर्टल पर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन अब ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, आप इस नए पोर्टल से अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया वोटर सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल को अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड काफी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, और यहीं से आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सभी काम करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर साइन अप करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो आप जो है यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे और अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आप इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट रखेंगे इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इंडियन ओवरसीज इलेक्टर हैं, भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर इंडियन ओवरसीज इलेक्टर सिलेक्ट करना है, और तब आप यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर कोई भी आपको पासवर्ड फिल कर देना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इसके बाद रिक्वेस्ट OTP, इस पर ओके करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप जो है इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है, इसके बाद यहाँ लॉगिन, इस पर ओके करेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया है, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट OTP, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल फॉर्म 8, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है सेल्फ और दूसरा है अदर इलेक्टर। अगर आप खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ, और अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड का आप वोटर आईडी कार्ड करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अदर इलेक्टर। यहाँ पर उसका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर फिल करेंगे। वोटर आईडी नंबर वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, जिसमें शुरू के 3 डिजिट अल्फाबेट कैरेक्टर्स में होते हैं और उसके बाद 7 डिजिट जो है नंबर में होते हैं। एपिक नंबर फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड किस स्टेट का बना हुआ है वो स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड है, और यहाँ पर एप्लीकेंट का फादर नेम यानी रिलेटिव नेम। अगर ये डिटेल्स करेक्ट है तो इसको ओके करेंगे। अब इसमें आप सिलेक्ट करेंगे करेक्शन ऑफ एंटायर्स इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको इसी को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ये पहले से सिलेक्ट रहेगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस इसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की जो डिटेल्स है ये ब्लू टिक हो जाएगी, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह यहाँ पर जितनी भी ये स्टेजेस हैं, ये सभी स्टेजेस आपको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ सेकंड स्टेज में आपको आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर सकते हैं अगर आप फिल करना चाहते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर सेल्फ सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके फैमिली में से किसी का मोबाइल नंबर है, जैसे कि फादर, मदर या फिर एनी अदर रिलेटिव, तो सेकंड बॉक्स से इसको चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ थर्ड स्टेज में आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप नेम, जेंडर, DOB, रिलेटिव्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, ये सभी कुछ करेक्शन कर सकते हैं। हमें इनका फादर नेम करेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम रिलेटिव्स नेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिलेटिव्स का नेम फिल करेंगे, जो भी रिलेटिव का करेक्ट नेम है वही नेम आपको यहाँ पर फिल करना है।
जो नेम हमने इसमें फिल किया है यही नेम हमारे वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा, यस करेंगे। और जैसे ही आप इस कॉलम में नेम फिल करेंगे तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये करेक्ट फिल नहीं होता है तो यहाँ पर आपको जो है इसी कॉलम के अंदर एक कीबोर्ड का आइकन मिलेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोकल लैंग्वेज में कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है और यहाँ पर सरनेम फिल करेंगे। यहाँ पर भी ये सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये करेक्ट है तो आप इसको एज इट इज रखेंगे, वरना तो आप इसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपको मैक्सिमम 2 MB तक रखना है। फाइल का फॉर्मेट आपको JPG, JPEG, PNG एंड PDF में रखना है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आधार कार्ड सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपको नेम में करेक्शन करना है तो यहाँ पर आप नेम वाला बॉक्स टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको नेम की डिटेल्स फिल करनी होगी और साथ में आपको नेम के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेम के लिए भी आप आधार कार्ड ही अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको DOB में करेक्शन करना है तो यहाँ पर DOB सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी करेक्ट DOB है वही आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको DOB प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। DOB प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है कोई भी करेक्शन हो वो सिर्फ अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आपको कोई भी अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम नेम वाला जो बॉक्स है इसको भी अनटिक कर देंगे और DOB इसको भी अनटिक कर देंगे। सिर्फ हमें फादर नेम करेक्शन करना है, तो यहाँ पर हमने फादर नेम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो करेक्ट नेम है वो फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम फिल कर देंगे, जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको फिल कर देना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर कहीं भी किसी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप उसको जो है पहले ही एडिट कर लेंगे। यहाँ कीप एडिटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी मिस्टेक है आप उसको एडिट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो फिर आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको पहले ही अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है, इसी के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो हमारी सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है, हम इसको सबमिट करेंगे। एंड फाइनली हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, आपको इस रेफरेंस नंबर को नोट करके रख लेना है। इस रेफरेंस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहां डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इस पर ओके करेंगे। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करेंगे। इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपका कंप्लीट फॉर्म होगा, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सबमिट। अभी का यहाँ पर जो करंट स्टेटस है वो दिखा रहा है इनरोल अपडेटेड, हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है तो यहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है और साथ में आप डेट देख सकते हैं कौन सी डेट में फॉर्म को सबमिट किया गया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके BLO की तरफ से इसको अपॉइंट किया जाएगा, वो आपकी डिटेल्स चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर आपकी डिटेल्स और आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फिर आपके जो BLO हैं वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में नॉर्मली जो है 15 डेज से लेके 30 डेज तक का टाइम लग जाता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होने के बाद वोटर आईडी कार्ड करेक्शन हो जाता है और करेक्शन होने के बाद फिर आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पर आना है, यहाँ पर ई एपिक डाउनलोड, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एपिक नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सर्च पर ओके करेंगे और यहीं से फिर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन को सबमिट किए हुए काफी टाइम हो चुका है और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जा रहा है या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप अपने एप्लीकेशन को किस तरह से फास्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने एप्लीकेशन को फास्ट प्रोसेस करवा सकते हैं और अपने वोटर आईडी कार्ड में जल्दी करेक्शन करवा सकते हैं। सो ये कंप्लीट वीडियो है, इस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।